हॉस्पिटल भी 2 बार जाके आ गए हैं, वो बार 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 उठ रही है, पहन ही नहीं पा रहा डायपर। वो तो 1 बजे जैद सोया था, चल चल मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। आपसे जब मैं कितने बजे यहाँ से निकली हूँ, रू की रुई है, हाथ में तो ट्राई नहीं किया था, हाथ में भी ट्राई किया था। बच्चों को ना 19-20 नहीं कर सकते, खाया पिया सब निकल रहा है। माँ बाप के जितना दुख ना कोई नहीं झेलता। हेलो एवरीवन, अभी बज चुके हैं रात के 2:30-2:25 हो गए हैं। जस्ट अभी अभी तू बस हुई है, तू बस सुलाते थक गई हूँ मैं, पर वो लड़की सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार 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 सुसू कर दी, तो मैंने अभी क्या किया, सो डायपर लगाया, फिट कराया, सुला दिया। और जो हमारा जैद है उसको भी गोलू ने थोड़ी देर सुलाया, वो 30 टाइम्स उसने लूज स्टूल कर दिया है, वाटरी स्टूल कर रहा है वो। हॉस्पिटल भी 2 बार जाके आ गए हैं, पर डॉक्टर ने बोला अभी प्रिक करने का फायदा नहीं है, अभी इतनी डिहाइड्रेशन नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें हॉस्पिटल जाके उसे एडमिट करना ही पड़ेगा। तो अभी तो जैसे वो सो के उठेगा, वैसे मैं और गोलू मैंने बैग पैक कर दिया है पूरा, मैं और गोलू जाएंगे हॉस्पिटल। तो अभी आपको दिख रही होगी गोलू वहाँ पे सो रही है, और गोलू के साथ सो रहा है हमारा जैद। और जैद को इसलिए सुला दिया है ना, थोड़ी देर सोएगा तो उसे थोड़ा सा चैन पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको पॉटी जा रही है। ये वाला बैग जो है मैंने पूरा पैक कर लिया, इसमें सब कुछ डाल दिया। अभी जब निकलेंगे ना तो यही वाला बैग उठा के मैं और गोलू निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। जाने से पहले मैंने चाय बनाई है, तो मैं और गोलू चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे मैंने तुबा और अयान को सुलाया है, आप देखो ये कितनी देर सोते हैं, कभी कुछ पता नहीं। अयान तो फिर भी थोड़ी बहुत सो जाएगा, लेकिन जो तूबा है ना वो बार 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 उठ रही है, इसलिए जो रूम की लाइट भी ना वो मैंने कम कर रखी है। तो गाइस बहुत ही मुश्किलों से ना मैंने जैद को सुलाया है। दोपहर 4 बजे से जाग रहा था, फिर उसके बाद मैं और पायलस को 7 बजे के करीब हॉस्पिटल लेके गए। 7 बजे लेके गई, डॉक्टर ने दवाई दी। उस टाइम मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, बच्चे है ना, बच्चे को लूज मोशन लग जाती है। फिर मैं आई घर, आई 9:30 बजे की बात है, फिर इसको फिर वाटरी लूज स्टूल्स हो रहे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा होने लग गए, दवाई का असर नहीं हो रहा। फिर चीकू के पापा मैं पायल लेके हॉस्पिटल भागी, फिर घर पर आई 11 बजे के करीब आई, क्योंकि वहाँ पे मैं 1 घंटा रुक गई थी। फिर उसके बाद फिर इसको वाटरी लूज स्टूल्स हुए, तो अब जाकर ये लगा लो बच्चा 1:30 बजे के करीब बड़ी मुश्किल से सोया है, तो अभी 1 घंटा तो हो गया। मैंने 1 मिनट भी अपनी आंख बंद नहीं करी, पायल ने भी नहीं करी, क्योंकि मेरे को ना बार बार हो रहा है कि इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो बस ये है कि सोएगा ना थोड़ा सा मुझे भी चैन आएगा, क्योंकि अगर सोएगा बच्चा तो उसके लूज जो स्टूल्स है ना वो बंद होंगे। बाकी ऐसा हो रहा है जैसे ही फीड दे रही हूँ वैसे ही लूज स्टूल्स, जैसी फीड दे रही हूँ वैसे ही लूज स्टूल्स। तो यहाँ पर ना मैंने ORS ना सिरिंज के साथ रखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायरिया के अंदर ऐसा ही होता है ना, पानी की कमी पड़ जाती है बॉडी में। तो बस यही नहीं चाहती मैं कि इसके कमी पड़े, तो अभी थोड़ी देर पहले ना फीड लेके सोए। जैसे ही उठेगा ना डॉक्टर ने बोला आप उसको हर 1 घंटे में उठा के ORS दो, तो पर मैं उसको अभी नहीं उठा रही, क्योंकि दोपहर से उठा हुआ है ना, इसकी आंखें ऐसी हो रही थी गाइस, क्योंकि बच्चा है ना छोटा, को नींद आ रही है, इसकी बॉडी नींद मांग रही है, पर ये सो नहीं पा रहा। इसको देख देख के आज मेरा इतना रोना आया, इतना रोना आया ना, बड़ी मुश्किलों से पायल ने और चीकू के पापा ने संभाला है। पहले हमारे जो तूबा है, तूबा के साथ ऐसा हुआ, तूबा को रैशेस पड़े, ठीक है, रैशेस के साथ साथ उसने बहुत दिन डायपर नहीं पहना, फिर उसकी आईज रेड हुई, आईज रेड होने के बाद उसकी आंखों में पानी आने लग गया, एक साइड की रेड हो गई। फिर अयान ठीक था, अयान के साथ सेम हुआ गई, वो रैशेज हो गई, और पूरी स्किन उसकी तो बहुत ज्यादा रैशेज हो गए थे। अभी बेचारा लंगोट में सो रहा है, क्योंकि क्या है पहन ही नहीं पा रहा डायपर वो तो, और पजामी भी नहीं पहना रहे हम कि गीली हो के कोई दिक्कत ना। और अब जैद को इतने लूज टूल्स हो गए, इतने लूज टूल्स हो गए कि कम से कम 30 बार वो कर चुका है, हर एक पजामी हर एक कपड़ा धुल धुल के हम सुखा रहे हैं, कि क्योंकि पता है ना कि घर में 3 बच्चे हैं, किसी चीज की कमी ना पड़ जाए, तो साथ साथ सबको धोए जा रहे हैं। तो गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और जैद 1 बजे के करीब सोया था, मैं और पाल तो बिल्कुल भी नहीं सोए, 1 मिनट भी हम वेट कर रहे थे कि उठे। तो अभी उठा है, उठते सबसे पहले मैंने ना इसको डायपर लगा के सुलाया था ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, तो डायपर के अंदर इसका फिर से लूज टूल आ रहा है। अभी उठते ही ना मैंने इसको ORS का घोल 5 ml डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको पिला देना, तो पिलाया है। और ना साथ साथ लूज टूल के साथ पहले उसका जो क्या हो रहा है, हल्का सा रेड रेडिश हो रहा है ना। डॉक्टर ने हमें पूछा था कि पॉटी में ब्लड तो नहीं आ रहा, मतलब प्रॉपर गाइस ब्लड भी नहीं आया, ये नहीं कह सकते कि ब्लड है वो, पर रेड कलर के डॉट्स थी। तो मैंने फोटो खींच लिया, अभी जाते हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे है। और सुसु इसने ये लगा लो 4 घंटे से सुसु नहीं किया अभी, तो गाइस जैद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मुझे लग रहा है एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करना पड़ेगा, डॉक्टर ने जो बोला था ना जो नहीं हो रहा था पहले वो अब हो रहा है। अब 4 बज गए, मैंने सबको बताया, हम 1 बजे जैद सोया था, सोने के बाद हमने वेट किया कि इसको सोने देते, जब ये उठेगा तब देखेंगे इसे। आप ये मेरे पास तूबा है, मैं उसको साथ में लेके जा रही हूँ ना, एक बच्चे को लक्ष्य संभाल
सकते हैं, चीकू भी है, सबको फिर नहीं संभाल पाते ना, इसको भी फीड की जरूरत है। पायल मेरे साथ हम देख लेंगे कोई। अब वाटर की वजह से हुआ है, तू भी थोड़े दिन ना ब्लिस्टर पानी पी, घर का मत पियो। पानी का बहुत ज्यादा, पानी तो मैं पूरा पीती हूँ, पानी पीती हूँ शायद। पानी इसको पता नहीं क्या दिक्कत हुई है इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। जादू ओए बंदरू, ये सुबह बोलेगा ताऊ जी चले घूमने, आंखें खुल गई। दादी तो बोल पाता कि मैं ठीक हूं, अपनी प्रॉब्लम बता दी। बहुत बार वॉशरूम गए उन्होंने, बहुत बार टॉयलेट भी 3 घंटे से किया नहीं ना इसने। आ जा, मुझे तू डॉक्टर को जाके दिखाऊंगी। अच्छा हुआ अभी इसने कर दिया, मैं खा दूंगी। नहीं क्या फोटो खींच ली थी इसके डायपर की, चल चल डॉक्टर को दिखाने के लिए। बैठ। तो हर किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं, हमारी दिक्कतें दिख रही हैं, उनकी दिक्कतें नहीं दिख रही। तो अभी गोलू पाल अगली वाली गाड़ी में, मैं पीछे वाली गाड़ी में हूँ, और जैद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और टाइम हो गया है नियर अबाउट 3:30 का। तो अभी क्या ना कि अभी जैद की ना मतलब वॉशरूम या रिपोर्टिंग में हम बोल सकते ब्लड आ रहा है, बहुत दिमाग ख़राब है इस टाइम। तीन बज गया रात के, जैद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम। एक वो आ रहे हैं क्या डॉक्टर, आ रहे हैं क्या, फोटो दिखा दूंगी एक बार। 10-11 बार आपसे जब मैं कितने बजे यहाँ से निकली हूँ, 9-10 बजे करीब। ब्लड टाइप भी आ रहा है आपके, जब से यहाँ पे गए हैं ना उसमें भी आ रहा है। 10 times 40 कर चुका है, और अभी क्या जो उसकी अभी इसने जो पजामी पहनी ना उसमें भी रेड रेड आ रहा है। करना पड़ेगा एडमिट इसको, खोलो अब हो गया। और इसके 3 घंटे हो गए टॉयलेट भी नहीं। देखो डॉक्टर कोई भी लापरवाही मत करो, एडमिट कर लो 10 दिन, बच्चों कुछ नहीं होना चाहिए ना। पहले रो क्यों रही है, कोई बात नहीं होता है आदमी, बच्चा है मेरा, शेर बच्चा है। मैं तो समझा रही हूँ, तू तू मैं इसको देख के पायल टेंशन मत लो बेटा, चलो ऊपर चलो। ऐसे नहीं करते बेटी, जादू ये शेर बच्चा है मेरा, चलो ऊपर चलो। चलो ऊपर कैनुला लगेगा ना इसलिए। तो एक काम कर, तू नीचे बैठ जा, मैं चलो आग लगाऊंगी। मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ। तो क्यों रो रही है, मैं इसको देख के रो रही हूँ, मुझे इसका फिक्र नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं हूँ ना, अरे मेरे को टेंशन इस बात की नहीं हो रही, मेरे को ना ये शेर बोला था। नहीं नहीं फर्स्ट पे जाना है, निकू फर्स्ट पे ना। हेलो बोलो, हेलो बोलो पापा, मैं ठीक हूँ बोलो। नहीं बुड्ढू मैं अकेले इसको कैसे छोड़ दूँ, तो मैं हूँ ना यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, मैं भी हूँ। एक काम करो, दोनों बच्चों को तुम संभालो, मैं हूँ यहाँ। बस उसको फीड कराना पड़ेगा, इसे डिहाइड्रेट हो जाएगी ना बॉडी, तो फीड तो कराना पड़ेगा। ऊपर का दूध थोड़ी पिलाएंगे इसको, एक का एक बार एक सेकंड भी मैं इसको देखती रही। ठीक है ठीक ठीक, पैर में लगा, पैर में लगा, पैर में, हाथ में तो ट्राई नहीं किया था, हाथ में भी ट्राई किया था। हाँ ट्राई किया था, वेन नहीं थी ना इसकी। क्या पैर में लगा? हाँ पैर में लगा। चलो रो मत गोलू, हाँ कोई बात नहीं है कि हाथ पे है, ये यही है। हाँ पैर पे, पैर पे, हाँ एक पे। सिस्टर मेरे को नहीं, मैं ये निकाल देती हूँ, उसको लंगोट पहना दो। नहीं नहीं मत निकाल, ये फोल्ड कर दूँ मैं, पजामा काट इसका ना कैनुला लगा हुआ है ना, पजामा फाड़ रहे हैं, तकलीफ होएगी निकालूंगी। तो इसको अभी ना कैनुला लगा है, और कैनुला के साथ क्या हो रहा था, ये ना इसको हार्ट की वेन्स जो है ना उसमें मिल नहीं रही थी, तो डॉक्टर ने पैर पे चढ़ाया है छोटी सी बच्ची को, छोटे से मेरे बच्चे को पैर पे चढ़ाया। तो बस गाइस आप लोगों की दुआएं हैं, और जल्दी ठीक हो जाए, इसको नज़र लगी है मुझे लगता है। पर मुझे लगता है कि ना हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं, पर हमारी ज़्यादा पता लग रही है ना, हमारी पता लग रही है, छोटा बहुत छोटा है ना, 1 महीने का है, 1 महीने कैनुला चढ़ा। तो बस यही है कि ठीक हो जाए फटाफट, ऊपर पायल की वजह से ना मैं फटाफट गाइस सही टाइम पे आ गई, क्योंकि मेरे को ना इतना नॉलेज नहीं है। उसने जैसे देखा ना कि ऐसे हो रहा है ब्लड आ रहा है, उसने बोला गोलू बिल्कुल भी घबरा मत, फटाफट तू हॉस्पिटल चलो। और रात से हम तीनों क्या कोई भी एक सेकंड भी ना किसी ने गाइस आंख नहीं झपकाई है, एक सेकंड भी। गाइस एक मशीन लगी हुई है, इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन मशीन, जैसे हमें जो ड्रिप चढ़ती है तो यहाँ पे बॉटल से लटका देते हैं और ड्रिप चढ़ा देते हैं, पर बच्चों को उस तरीके से नहीं चढ़ती है, बड़ा सा इंजेक्शन सा लगा। और ये चेंज तो नहीं होगा ना, इसको कैंडल ही लगेगा, कंटिन्यू चलेगा ताकि इसको पानी की कमी ना हो। तो गाइस ये वाली मशीन है जो बच्चे को ड्रिप चढ़ाती है, और अभी हाँ क्या बोल रही है, मैं ये बोल रही कि ये इन्होंने बोला कि हर थोड़ी देर में ये फिर भर के जाएंगे, ये चढ़ेगी पूरी, फिर थोड़ी देर फिर चढ़ेगी। जैसे कि ना हमें तो नहीं यहाँ चढ़ जाती है, वो हमें यहाँ चढ़ते, देखो वो इसलिए चढ़ती है, हमें डायरेक्ट कितनी जाती है हमारी बॉडी के। बच्चों को ना 19-20 नहीं कर सकते, जितनी चाहिए उतनी ही देनी है, ज्यादा नहीं दे सकते ना। कुछ नहीं बता सकते बच्चों को ना, कभी भी कुछ हो सकते कि इसको डायरिया कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा, तो हाथों पे रखती हूँ गोली। बात बता ना, तो हम उसको धूप नहीं देते ना, हम उसको उल्टा सीधा खिलाते,
ये क्या कर रहे हो आप? ये ना टूवे लगाया मैंने। अच्छा, इससे जाता रहेगा पैर ना पकड़ के रखे, पैर पे है ना, निकलवा सकता है बच्चा। पकड़ूंगा? नहीं, पैर सीधा करना भैया इसका, मैं नहीं कर पाऊंगी करना। एक साथ ना गाइस दो तीन ड्रिप चढ़ेगी, साथ को इंजेक्शन भी लगेगा, साथ में ड्रिप भी चढ़ेगी। पाल तेको भी हुआ था ना टू वे वाला इंजेक्शन ड्रिप इकट्ठे, जैसे एक साथ में एक एक हाँ एक वेन में दो तीन हाँ मेरे को भी हुआ था। हाँ पाल इनसे पूछो बाबू डायरिया क्यों होता है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जितना मुझे नॉलेज है ना पानी की वजह से होता है, जितना मुझे नॉलेज है। बच्चों को पानी में तो पीती नहीं, पानी बाहर का पूछ लेते हैं अभी डॉक्टर से। मैं तो इसको 7 बजे एडमिट करवाने वाली थी, वो तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये सिम्टम नहीं थे, जो सिम्टम अभी आए ना। तो अभी बज गए हैं सुबह के 5 और 24 घंटे होने वाले हैं। मैं जागते हुए सुबह उठे थे, 24 घंटे होने वाले ना, पर वो नहीं हो रहा कि आँख ऐसे हुई है या कुछ भी, बस ये हो रहा है कि फटाफट से ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगी अभी, कई देर होगी ना, अब इसका टाइम हो गया ना फिट का। आज मम्मी के पास में जाओ, होट भी सूख गए इसके, देखो ना। हाँ सूख गए, इसका मतलब इसको मिल्क दूध पीने। एक बार उठ जाए मैं पिला दूंगी, फिर तो मैं करा दूंगी। ब्लड आ रहा है इसमें? हाँ इसमें से ब्लड आ रहा है, दिख रहा है। Yeah. ये वो हो गया, बहुत रेस्टलेस हो गया, बॉडी में कुछ है नहीं ना, खाया पिया सब निकल रहा है, कमजोरी आ रही है। अब इसके बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, CBC, सोडियम पोटेशियम और दो चार, और इसकी स्टूल भी जाएगा अभी टेस्ट करने के लिए। फिर आपसे ये पूछना है कि ना इसको डायरिया की, मतलब बेबीज को डायरिया क्यों होता है, न्यू बॉर्न बेबीज को? देखो टेस्ट के बाद हम थोड़ा बता, अभी हमें कंफर्म भी नहीं है कि डायरिया है कि नहीं। तो ये पूछ रही थी, जैसे मैं इसको उठा के स्पेशली फीड ना कराऊं, अगर इसकी पोती है 2-3 घंटे तक तो आप सोने, 3 घंटे के बाद आप उठा के फीड करा। 3 घंटे का मतलब 5 बजे या 6-8 बजे तक सोने दो। लास्ट फीड इसने ली थी 1 बजे ली थी, लास्ट फीड से 3 घंटे। हाँ इसकी लास्ट 1:30 बजे के करीब, उसके बाद मैंने इसको ORS पिलाया। आप ट्राई कर लो ORS पील, और ये चल रहा है ऐसे, घबराने की बात नहीं, अगर लेता है तो ज्यादा बेटर, नहीं लेता है तो उसमें घबराने की कोई। वैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वैसे ही सीन। तो गाइस अभी बज गए हैं सुबह के 6 और हम पूरी रात से नहीं सोए, बस जैद ठीक हो जाए उसके बाद आराम से सो जाएंगे। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाके हम चाय लेके आने वाले हैं, दूध लेके आने वाले हैं, और साथ के साथ है सैटरडे है, तो आज हम करने वाले हैं हमारे कुल देवी की पूजा। हमने नहीं की थी और शायद उसी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है, कभी अयान बीमार हो रहा है, कभी तूबा हो रही है, कभी हमारा जैद हो रहा है, तो शनिवार को हमारी भूख लग गई, बस वही अभी लगाने के लिए मैं जा रही हूँ घर। छोटी बाबू मेरी बंजरी, भाई को चोर के आई है, दूध लगाएंगे भाई की अभी घर जाके ना, भाई ठीक हो जाएगा। तो बचपन में हमें लगता था कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो अब जाके एहसास हो रहा है कि यार माँ बाप से बड़ी कुछ होता ही नहीं है ना। ये बात तो सही है गुड्डू, माँ बाप से मतलब माँ बाप के जितना दुख ना कोई नहीं झेलता, ये अब आज पता लग रहा है माँ बाप बन के। पहले बोलते थे ना मम्मी जब तू माँ बनेगी जब पता लगेगा, आज पता लग रहा है। नहीं सच में ये बात सच है, कई बार हम कहते थे तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमने किया है, अब ये लगा लो कि हमें पूरे 24 घंटे हुए जागते हुए, उसके बाद भी हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, 24 घंटे और जाग सकते हैं, 48 घंटे जाग सकते हैं, कि बच्चों को कुछ ना हो, कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए ना। अरे 72 घंटे हो तो 72 घंटे भी जाग ले, ऐसे आँख भी ना झपकी करें जब तक बच्चा ठीक ना हो। बस 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 कमर में दर्द हो रहा है, 24 घंटे से सो ही नहीं है, दूध पिला रही है, कमर में दर्द, तो क्या मेरी थोड़ी होगी बात, तो देना सो जियो मैं ले जाऊंगा। अभी पहले धूप लगाऊंगी इन दोनों की ना, उसके बाद फीट कराऊंगी दोनों को, आयान कर इसको। तो गाइस मैं अभी सो के थोड़ी देर उठी हूँ, क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ी देर, बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी है, और अभी बज रहे हैं, टाइम मैंने देखा नहीं, टाइम देखती हूँ, फटाफट शावर ले लेती हूँ। मैंने धूप 3 बच्चों के नाम की लगा दी थी, और वो जो धूप के बतासे हैं वो भी गाय को भिजवाने, वो भी भिजवा देती हूँ, नहा धोके रेडी होकर हॉस्पिटल पहुँच। रेस्ट ना करने से गला पूरा चौक हो गया, गला दर्द हो रहा है, पूरा गला दर्द हो रहा है। अभी गर्म पानी करके नमक डाल के पीती हूँ, वरना गला के बैंड बच जाएगी और ज्यादा। तूबा यान भी आराम से सो रहे हैं, अभी लक्ष्य हो रही है उनके पास, मैं जा रही थी नहाने, मैं लक्ष्य को सुला के, मैंने कहा तू सुला ले, और थोड़ी देर में नैनी भी आने वाली है उनकी। तो गाइस मैंने शावर ले लिया, और गोलू के लिए खिचड़ी बनवा ली है, और कालू भैया, सूरज भैया, मनदीप भैया सबके लिए चाय भी बनवा ली है। तो फटाफट से बस मैं नाश्ता करती हूँ, चाय और ब्रेड खाती हूँ, निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मेरा नाश्ता भी आ गया, नाश्ते में ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 2 ब्रेड सिखवाई और चाय, बस बच्चों को फीड करा के फिर निकलूंगी, क्योंकि दोनों में से किसी को लेके नहीं जाऊंगी वहाँ पे, ऑलरेडी जैद इतना परेशान है, हॉस्पिटल में जाके बच्चे वैसे भी परेशान होते हैं। तो गाइस बस ये वाले ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और सारी अपडेट जो भी होती रहेगी वो मैं देती रहूंगी आपको। बस आप दुआ कीजिए कि हमारा जैद जो है आज घर पे आ जाए, क्योंकि कल रात से वो हॉस्पिटल में एडमिट है।